परफॉर्मेंस किसी में जाएगा, उसके जिम्मेदार दोनों कप्तान रहेंगे, ये अनाउंस नॉट कीजिए क्या? बाद में हमारी कोई जिम्मेदारियां रहेगी नहीं। हितेश भाई की हस्तक्षेप से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ विराज ने 2 ओवर किए, 18 रन दिए और 4 सफलता हासिल की। एक बेहतरीन गेंदबाजी करने के बाद यहाँ मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विराज को दिया जा रहा है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। अब यहां से अगला मुकाबला शुरू होने की तैयारी में साई नीर 11 और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के बीच में खेला जाएगा। यहां टॉस जीता है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ब्राइट फ्यूचर का 12th पहुंचा नहीं है कमेंट्री बॉक्स में, तो प्लीज स्ट्राइक के ऊपर और नॉट स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज का नाम बताएंगे। यहां से पहला ओवर के ऊपर हिरेन को शामिल किया गया था ताला बैंड की ओर से, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर लेने के बाद हिरेन उपस्थित हुए हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर से पहला रन पूरा किया गया। ए मां मुगल वॉरियर द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2023 संस्करण पहला दक्षिण गुजरात का टूर्नामेंट है। भरूच डिस्ट्रिक्ट, सूरत डिस्ट्रिक्ट, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। अब पहला रन पूरा हो चुका है। अब स्ट्राइक के ऊपर हिरेन जामनिया। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर, ऑफ स्टंप के ऊपर कट शॉट खेलना चाहते थे, बीट किया, गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ यहां से हिरेन। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, एक और डॉट गेंद यहां से हिरेन। कट शॉट खेलना चाहते हैं और हिरेन को ऑफ स्टंप के ऊपर खिलाने का प्रयास करते हुए यहां से हिरेन के सामने हिरेन। अब यहां से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है कमेंटेटर सरफराज माकड़ा के हस्तक से विराज को, जिन्होंने 4 विकेट लिए, एक बहुमूल्य गेंदबाजी करने के बाद अपनी टीम को जीत दिलाई। अब पीछे खिलाड़ी पॉइंट के ऊपर जहां से रन पूरा करेगा। अब एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन बन चुके हैं। पावर प्ले का पहला ओवर जारी है।
अच्छा शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी थर्ड ईयर सर्कल के अंदर स्मिथ जिन्होंने फील्ड किया जब तक थ्रो किया जाएगा गेंदबाज की और रन पूरा किया था। अब एक एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन विदाउट लॉस। बहुत अच्छी गेंद थी इस पर वापस ही थी विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई क्षति नहीं। लेंथ और लाइन के साथ यह गेंदबाजी करने का प्रयास किया। पहले ओवर की समाप्ति हुई बहुत ही बहुमूल्य ओवर खत्म किया अपने कोटे का। ये जो मुकाबला है आज के दिन का 5वां मुकाबला साइनीर 11 और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के बीच में। अच्छी गेंद थी इस पर डॉट गेंद करार दिया गया यहां से। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज भी तैयार है। यहां से मुकाबला चलता हुआ साइनीर 11 और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के बीच में। ताड़ाबेन की ओर से निर्बल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने खेला इस बार पीछे खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन के ऊपर जब तक फील करके थ्रो किया जाए। यहां से रन पूरा किया था एक सिंगल रन। निर्बल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पटकी हुई गेंद के हल्के हाथों से इस बार कट कर दिया है। देखिए दो पंजों के ऊपर खड़े होने के बाद गली के ऊपर गेंद को भेजा था। यहां से सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। यह क्रिक हीरोज के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर थोड़ा स्कोरिंग हमारे नेट के इश्यू के कारण अटक गया है तो यहाँ ऑफलाइन स्कोरिंग शुरू है तो आपको बताया जाएगा। अच्छा शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। खिलाड़ी थे ऊपर से खेला हुआ शॉट पीछे खिलाड़ी है जिन्होंने फील्ड करने का प्रयास किया लेकिन गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा चौका मिला चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। अच्छी गेंद थी इस बार पटकी हुई जिसे हार्डलाइन गेंद भी कहा जाता है उस प्रकार की गेंदबाजी सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं कोई क्षति नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर यहां से देखा जाए तो 9 रन विदाउट लॉस। सामने खेला इस बार खिलाड़ी काफी अंदर है थर्ड ईयर सर्कल के अंदर मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पहुंच चुके हैं हार्दिक जिन्होंने बहुत अच्छा थ्रो किया और जब तक फील्ड किया जाए थ्रो यहां से अच्छे रनिंग बिटवीन से 2 रन पूरे किए थे। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन।
अब पावर प्ले के दो ओवर खत्म हो चुके हैं, 11 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी और साइन इन 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला, यहां से अब पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। थर्टिया सर्कल के अंदर चार खिलाड़ी, एक स्वीपर कवर थर्टिया सर्कल के अंदर गली के ऊपर एक खिलाड़ी, एक शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर और शायद मिड विकेट को अंदर बुलाया जा रहा है क्योंकि लॉन्ग लेग को बाउंड लाइन के ऊपर भेजा था अशोक के रूप में, जिसको वापस थोड़ा फाइन लेग को स्क्वेयर खड़ा किया जा रहा है, स्क्वेयर लेग और फाइन लेग के बीच में। अब स्ट्राइक के ऊपर हिरेन जामनिया, उड़ाना चाहते थे इस बार बल्ले के ऊपर, सजा नहीं पाए, स्क्वेयर लेग की दिशा में अलोंग द ग्राउंड खेला जब तक फील करके अंडर आर्म थ्रो दिया जाए गेंदबाज की ओर, एक रन। अब एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन, एक डजन रन पूरे हुए। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी वर्सेस नीर इलेवन के बीच में खेला जाने वाला ये पांचवा मुकाबला। बाहरी किनारा लिया, शॉर्ट फाइन लेकिन इस समय अशोक जब तक फील करते 22 गजों का फासला पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ 13 रन विदाउट लॉस। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी और साइन इन 11 मां मुगल वॉरियर द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2023 ये संस्करण पहला दक्षिण गुजरात के चार डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में, भरूच डिस्ट्रिक्ट, सूरत डिस्ट्रिक्ट, नवसारी और वलसाड़। बल्ले के ऊपर गेंद आ नहीं रही है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्लोवर हो रही है, उस प्रकार की गेंदबाजी करने का प्रयास नीर इलेवन के गेंदबाज द्वारा। हिरेन आहिर काफी नफीतुली गेंदबाजी करता हुआ एक आश्चर्य 3 गेंद कर चुका है और स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन विदाउट लॉस। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी इस बार संपर्क हुआ है जगदीश आहिर, यहां पे प्रयास बहुत ही बेहतरीन किया था और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर, वन बाउंस चौके के लिए, गैप में शॉट था इस बार स्क्वायर लेग मिड विकेट के गैप में, बहुत बड़ा गैप वहां से 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कर लिया था इस बार गेंद हवा में, स्क्वेयर लेग के ऊपर खिलाड़ी है और अच्छा कैच, हिरेन जामनिया की पारी खत्म हुई और यहां एक अच्छा कैच किया, लगने वाला यहां विकेट नंबर पहला। स्मित गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए ताला बैंड की ओर से स्मित को शामिल किया जा रहा है 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद। और इस बार खड़े खड़े खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बल्ला अड़ा दिया था, लोअर फुलटॉस गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर जब तक फील करके थ्रो किया जाए, एक रन पूरा किया, एक के साथ 20 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अक्षय कोसाड़ लेफ्ट किया सामने और स्टैंड एंड डिलीवर, पीछे खिलाड़ी जंप किया लेकिन हार्दिक के ऊपर से ओवर द सिक्सर, डोक्या वरुण सिक्सर डीजे। डाउन
गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद थी, इस बार वापसी करवाई, यहां से रन लेना चाहते हैं और शायद टॉस्टाइक एंड के ऊपर कवर के लिए काफी दूर खिलाड़ी था तो स्मिथ ने अपने आप को रोका। अब लेग बाई का इशारा, यहां से एक अतिरिक्त रन के रूप में स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो तीन असर्ग्य तीन गेंद हो चुकी है और 27 रन एक विकेट के नुकसान के बाद ब्राइट फ्यूचर एकेडमी 7.5 का करंट रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 65 तक जा सकता है। अब स्ट्राइक के ऊपर किशन, एक और अच्छा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अच्छा सिक्सर, यहां एक 6 के साथ 33 रन एक विकेट के नुकसान के बाद स्मिथ गेंदबाज और बल्लेबाज किशन साथम 22 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ 12 गेंदों के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 2 चौके 1 सिक्सर शामिल, 200 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही बेहतरीन किशन अब तक हावी हो चुका है। गेंद हवा में, इस बार पीछे खिलाड़ी है और अच्छा कैच, यह विकेट कीपर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कैच किया था, स्मिथ को मिलने वाली सफलता। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, यहां स्मिथ ने पेवलियन का रास्ता दिखाया था पिछली गेंद के ऊपर, एक अच्छा शॉट खेलने के लिए गए और कैच के रूप में आउट किया था, मिलने वाली सफलता स्मिथ आहिर के अकाउंट में। 33 के ऊपर लगने वाला दूसरा झटका, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी वर्सेस साई नीर 11 के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। संकेत कंसार नए बल्लेबाज के रूप में, बहुत अच्छी गेंद और बहुत अच्छा कैच, यहां विकेट कीपर के रूप में बल्ले का किनारा और विकेट कीपर का सहारा, लगने वाला तीसरा झटका और स्मिथ को मिलने वाली एक और सफलता, बेहतरीन कैच एफर्टलेस और कैमरामैन ने बहुत ही बेहतरीन कैप्चर किया, देखने लायक मोमेंट। कैच ड्रॉप,
डीप बाउंड लाइन के ऊपर उसी जगह के ऊपर पिछले मुकाबले में जगदीश ने एक कैच किया था, सबको देखने लायक नजारा, झुकने के बाद एक हाथ से मिड विकेट के ऊपर और मैच में वापसी करवाई थी। और हार्दिक प्रीवियस मैच के हीरो, इस टूर्नामेंट के हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कोई है तो एक लौता गेंदबाज हार्दिक आहिर। वापस एक बार और फिर से अब अशोक गेंद के नीचे और अच्छा कैच, यहां एक बार कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद अशोक ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर अच्छा कैच किया, लगने वाला यहां चौथा विकेट और हार्दिक के अकाउंट में 35 सफलता। डीजे डेनिस ने बल्लेबाज के रूप में एक अच्छी39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के बाद अब हार्दिक तैयार वापस गेंदबाजी के ऊपर, यहां स्ट्राइक के ऊपर डेनिस, अच्छा शॉट, इस बार हिसाब किताब करके बीच में खेला गया था शॉट जिसे काउ कॉर्नर कहते हैं, वहां से जब तक फील करके थ्रो किया जाए, अब एक रन पूरा किया था। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन। अब हार्दिक तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, छापरा एंड की ओर से फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया कवर की दिशा में, स्मिथ है फील्डर के रूप में, जब तक थ्रो किया जाए तो रन पूरा कर चुके थे और ओवर थ्रो के रूप में एक रन और मिलने वाला था लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर से नकारा गया। तो उस बीच 5 ओवर समाप्त हुए, 41 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद ब्राइट फ्यूचर एकेडमी जीतने के लिए यहां टारगेट खड़ा करना पड़ेगा, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके मुकाबला जीता जा सकता है। जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में आप लोगों ने देखा कि आई खोडियार 11 ने 117 रन बनाए थे और बेहतरीन जीत हासिल की थी, तो उसी के हिसाब से एक स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। या राइट हैंड बल्लेबाज के लिए थर्टिया सर्कल के अंदर देखा जाए तो 4 खिलाड़ी अंदर है, एक शॉट थर्डमैन गली पॉइंट और कवर थर्टिया सर्कल के अंदर। अब गेंदबाज अशोक, अच्छी गेंद थी, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला 2 खिलाड़ी के बीच में, या हिरेन ने लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर, अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ सिंगल रन पूरा किया था। अब सिंगल के साथ 42 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद करंट रन रेट 125 का चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 65 तक जा सकता है। अब अशोक ने पिछले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से 6 ओवर किया था, अब वापस 6 ओवर के ऊपर यहां शामिल किया जा रहा है। छापरा एंड की ओर से अशोक तैयार, पटकी हुई गेंद कही थी, इस बार कट शॉट खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर लेकिन विकेट कीपर के हाथों में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जिसे क्रिकेट की भाषा में हार्डलैंड गेंद कहा जाता है।
अलोंग द ग्राउंड खेला इस बार, वहां पे खिलाड़ी है जब तक फील करके थ्रो किया जाए, यहां से रन सिंगल मिलेगा। एक अच्छी फील करने का प्रयास किया था, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी है जिन्होंने फील करने के बाद थ्रो किया गया और 44 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद नेंसल स्कोर वापस स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन 4 विकेट। इस बार अच्छा शॉट मिड विकेट स्क्वायर के बीच में, यहां देव थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद चली गई वन बाउंस बाउंड लाइन के बाहर। जिस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है, वो मूवी में सॉन्ग है ना उड़ी उड़ी जाए, उसी प्रकार का माहौल बना। टप्पा खाने के बाद काफी बाउंस लिया गेंद ने और बाउंड लाइन के बाहर चौका मिला, चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। स्मिथ गेंद के बीच में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, अशोक ने कहीं स्मिथ ने सुनी, क्रिकेट समीक्षक का है दोनों ज्ञानी, उस प्रकार से एक अच्छा कैच विकेट मिलता हुआ पांचवा डीजे। यस, नए बल्लेबाज के रूप में हेमंत नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर और हार्दिक गेंदबाजी के ऊपर, देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद जो कॉक हुई थी गेंद बल्ले को छू के चली गई सीधी भावेश विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा कैच किया विकेट कीपर के रूप में, लगने वाला एक और झटका, विकेट नंबर 6 था, इसीलिए हार्दिक जो काम के लिए जाने जाते हैं वही काम करता हुआ नीर इलेवन की ओर से, और नीर इलेवन के ऑनर मनीष भाई भी खुश। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार देखिए जड़ वाली गेंद करने का प्रयास, बल्लेबाज को यहां मौका नहीं दिया जा रहा है उस प्रकार के लेंथ और लाइन के साथ जो टप्पा के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं हार्दिक है। इसीलिए कहा जाता है बाहुबली का टप्पा और हार्दिक का टप्पा ये टीम नहीं भूलेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी हार्दिक ने हैट्रिक विकेट किया था और मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसमें कैच एक बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर के रूप में, जगदीश साहिर के रूप में बहुत बेहतरीन कैच देखने को मिले थे, एक कैच अशोक ने भी किया था। अब अच्छी गेंद वापसी करता हुआ 48 के ऊपर रुका हुआ स्कोर, लॉस ऑफ द 6 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस, 7.38 करंट रन रेट और 59 प्रोजेक्टेड स्कोर। बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ यह गेंदबाजी करता हुआ हार्दिक, 48 के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर। 3rd मैन के ऊपर, गली के ऊपर, पॉइंट के ऊपर अशोक है और कवर के ऊपर स्मिथ, डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर, यहां काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन, वाइड गेंद करा दिया गया था और एक अतिरिक्त रन के साथ 49 रन
लॉस ऑफ द 6 विकेट 6 विकेट के नुकसान के बाद डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे काफी दूर खिलाड़ी है जब तक फील करके दूसरे के लिए पलटवार किया है। यहां रनआउट का खतरा नहीं बनेगा, वापस किया, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट। इसे कहते हैं बाज की नजर, चीते की चाल, और जगदीश के फील्डिंग के ऊपर कभी संदेह नहीं करते। बल्लेबाज वापसी कर चुका था, यहां जिस प्रकार से जगदीश फील्डिंग के ऊपर आया था, एक अच्छी वापसी करता हुआ बाहरी किनारा लेके गेंद थर्डमैन की दिशा में गई, जहां से सिंगल रन बटोरा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां 50 रन पूरे हुए, वेलकम 50। 6 विकेट के नुकसान के बाद अब लास्ट गेंद के ऊपर सिंगल के साथ 51 रन, मतलब 7 ओवर 51 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। सात ओवर के बाद 51 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही अच्छी यहां से वापसी करवाता हुआ हार्दिक ने 2 ओवर पूरे किए, 11 रन दिए, 2 सफलता। यहां हार्दिक की गेंदबाजी में मैजिक भी था और लॉजिक भी था, अच्छी गेंदबाजी। जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया अंदरूनी किनारा लेके, यहां पुष्पा झुकेगा नहीं और पैर से फील करने का प्रयास किया, मतलब चौका मिला। झुकना पड़ता है तो रन बच सकते थे, यहां पे बोल्ड आउट हुआ था, बाहरी किनारा लेके गेंद गई बाहर ऐसा लगा था, लेकिन आउट हो चुके थे, विकेट मिला था। सामने एक और खिलाड़ी है यहां पे, लेकिन बाहर जाएगी। तीर से बल्ले से सीधा शॉट खेला इस बार, टाइमिंग बहुत ही स्वीट था, इस बार नजाकत दिखाई और गेंद गई 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन। एक और इस बार सामने खेला, इस बार यहां पे अक्षय बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए और फील्ड किया, और जब तक सीधा थ्रो किया जाए 1 रन। अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद अशोक की बात की जाए तो 1 आश्चर्य 3 गेंद कर चुका है, 14 रन दिए, 2 सफलता। सही लेंथ और लाइन के साथ यहां गेंदबाजी करता हुआ अशोक आहिर, घरेलू क्रिकेट पलसाना की ओर से खेला करता है। टॉप एच और पीछे खिलाड़ी शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर जिन्होंने फील्ड किया, 1 रन पूरा किया। अब 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 सिंगल के साथ 59 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, वहां पीछे खिलाड़ी है देव जिन्होंने जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए दूसरे के लिए पलटवार किया है। थ्रो थोड़ा धीमे किया और यहां से 2 रन पूरे किए, बल्लेबाज देख रहे थे कि थ्रो किस प्रकार से आएगा, जैसे ही हाथ से गेंद छूटी यहां से रन चुरा लिया, मतलब 2 के साथ 61 रन 61 रन। अब लास्ट बॉल रिमेनिंग फॉर लास्ट ओवर, अब आखिरी गेंद है, छापरा एंड की ओर से अशोक अपने कोटे का, दूसरा पारी की ओर से 8वां। अब 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और शिव स्ट्राइक के ऊपर। अब यहां से रन नहीं मिलेगा और ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई अंपायर द्वारा। 61 रन बने, अब जीतने के लिए 62 रन बनाने हैं, 62 रन टू विन। साई
जरूरी है। बल्लेबाज जल्दी भेजेंगे, प्लीज समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी आना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत जरूरी रहता है। यहाँ अब जगदीश आहिर और भावेश दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है, तो कंफर्म करने के लिए भावेश है ना कंफर्म बल्लेबाज? यस, तो दोनों बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है। यहां से अब गेंदबाजी के ऊपर कौन से गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो 62 रन का टारगेट दिया है, 7 विकेट चले गए थे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। अब इसके बाद का मुकाबला महाकाल आर्मी 11 और आई खोडियार 11 के कप्तान से निवेदन है, आप टॉस के लिए आएंगे और अपना प्लेइंग 11 सेट करके जाएंगे। इसके बाद का मुकाबला अब छापरा एंड की ओर से गेंदबाज तैयार, रिवर्स एडम, देखिए नजाकत देखिए, इस बार गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, बेहतरीन सिक्सर, आगास अच्छा तो अंजाम अच्छा, हमारे क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्डनस सर बताते हैं आगास अच्छा तो अंजाम अच्छा, 6 रन। बाहरी किनारा लिया था इस बार, विकेट कीपर को बीट करती हुई जमीन के सहारे, ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय चौका, चौके के साथ 2 डिजिट में 10 रन, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों के ऊपर, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल स्ट्रोक, स्पेक्टेकुलर चौका, इस बार स्वीपर कवर की दिशा में 1 बाउंस चौका। गेंदबाज डेनिस के ऊपर हावी हो चुका है, 3 गेंदों के ऊपर 14 रन, 2 चौके और 1 सिक्सर। अब स्ट्राइक के ऊपर अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, रिवर्स एडम, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यहां जो जोश है हमारा वो ताली बजती है उसकी ओर लेके जाएगा, और जो होश रख पाएगा वो मैच को जीताने की ओर लेके जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जोश के साथ होश रखना बहुत ही जरूरी है। हमारे मेन एम्पायर मणिलाल टंडेल सर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, नीरज पटेल सर हमारे साथ कॉम बॉक्स में, दिनेश पटेल सर फुलटोस गेंद थी इस बार, फ्लिक करना चाहते थे, यहां से रन पूरा किया, गली के ऊपर गेंद गई थी, सिंगल रन, एक सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ लेग बाय के रूप में 15 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां साइन 11 की ओर से, ये बहुत ही अहम मुकाबला है। यहां से ये मुकाबले की बात की जाए तो दोनों टीम जीतना चाहेगी। पहले के ऊपर इस बार फ्लिक किया है, पीछे खिलाड़ी हाथ में टप्पा खाई जमीन के ऊपर, उसके बाद लुढ़क गई, मौका बना था एक अच्छे बल्लेबाज का कैच करने का, लेकिन इस खिलाड़ी ने प्रयास बेहतरीन किया था, पीछे घूमते के बाद यहां रिवर्स स्वीप में दौड़ना एक अपने आप में अच्छे खिलाड़ी की निशानी, प्रयास बेहतरीन था लेकिन कैच नहीं कर पाया। पहला ओवर खत्म हुआ, 16 रन बने विदाउट लॉस साइन 11। अब यहां से देखा जाए तो ब्राइट फ्यूचर
एकेडमी 11 पहला मुकाबला महाकाल आर्मी के सामने हारी थी, उसके बाद दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो आई खोडियार के सामने। अब यहाँ क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। देखा जाए तो दो मुकाबले हार चुकी है और साइनी 11 एक मुकाबला जीत चुकी है, तो साइनी 11 के पास मौका है पॉइंट टेबल के ऊपर बने रहने के लिए। अब किशन गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से दूसरा, मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर किशन को शामिल किया जा रहा है छापरायन की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर जगदीश साहिर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार नो गेंद करा दिया गया है। स्क्वायर लेग एम्पायर इस बार थ्रो के रूप में, एक्शन के रूप में वन दी गई है। अब एक बार वन किया जाएगा, अब यहां से एक्शन के रूप में गेंदबाज के ऊपर यहां रोक लगाया गया हमारे एम्पायर सर द्वारा, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। अब 18 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, मौका है बल्लेबाज के पास, जहां चाहे जिस तरह से चाहे बल्लेबाजी कर सकता है। जैसे नो बॉल का नाम सुनते ही हमें दिल में ख्याल आता है फ्री हिट का, उसी प्रकार से चाय का नाम सुनते ही हमें याद आता है बिस्कुट। वही मुकाबला, पिक्चर है सुपर हिट, आने वाली गेंद के ऊपर है फ्री हिट। फ्री हिट के ऊपर बल्ला चला गया, यहां पे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद गई, कैच भी किया, लेकिन इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि किस्मत अगर अवसर हुआ एक और यहां नीर 11 जीतना चाहती है, क्योंकि आप जानते हो एक मुकाबला जीत चुकी है और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी दो मुकाबला हार चुकी है, जो यहां पे अगर नीर 11 जीतेगा उसको फायदा मिलेगा। चढ़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, खोद के निकाला, इस बात खूब फॉलो थ्रू में फील किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 20 के ऊपर रुका हुआ स्कोर, अभी भी 40 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए। बहुत अच्छा शॉट इस बार, गेंद के ऊपर आए, उसके बाद कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, गेंद चली गई 4 रन के लिए। अब चौके के साथ 24 रन। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता हुआ भाविस आहिर 20 के ऊपर पहुंच चुका है निजी स्कोर। चेंज ऑफ पेस किया था, गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी लेग कटर करने के लिए, लेकिन गेंद ने फैसला कर लिया बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का, वन बाउंस चौका। अब चौके के साथ 28 रन, एक पहले सीधे बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, उसके बाद उल्टे बल्ले से गली के ऊपर चौका और 28 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मानना पड़ेगा। स्लॉगशिप कर दिया इस बार, बहुत ही बेहतरीन स्लॉगशिप, और गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर, यहां से चौका मिलेगा। टॉक्सिप कर दिया था गेंद को और तीन गेंदों के ऊपर तीन चौके बकोड़े, पहला शॉट बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर चौका, उसके बाद गली के ऊपर रिवर्स शिप में, उसके बाद स्लॉग शिप किया लॉन्ग लेग के ऊपर बाउंड्री लाइन के बाहर। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अव्वल नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है गेंदबाज तैयार। एक और इस बार स्लॉग शिप किया है स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जा रही है पीछे खिलाड़ी है, यहां से एक रन मिलेगा। तीन चौके लगाने के बाद एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, बहुत ही बेहतरीन यह मुकाबला छापरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। पावर प्ले के दो ओवर खत्म हो चुके हैं और स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन बने विदाउट लॉस। अच्छी बल्लेबाजी यहां नीर 11, एक पार्टनरशिप 12 गेंदों के ऊपर 33 रन की हो चुकी है। देखा जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट अभी 4.5 का है मैच को जीतने के लिए। मां मुगल वॉरियर द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग दक्षिण गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जा रहा है, इसमें भरूच डिस्ट्रिक्ट, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट और सूरत डिस्ट्रिक्ट।
रिवर्सिप में इस बार खेलने का प्रयास किया लेकिन खिलाड़ी ढूंढ लिया इस बार गेंद को। अब प्रतीक को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है जिन्होंने भावेश को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। भावेश ने 11 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाए, 5 चौके और एक सिक्सर, बहुत ही ब्यूटीफुल बल्लेबाजी। हमें चौके जिस प्रकार से भावेश ने लगाए यहाँ पे ऑफसाइड के ऊपर लगाए हैं, यहाँ स्क्वायर ऑफ द विकेट, यहाँ मैं वी में रन नहीं बिना, और बहुत ही अच्छा स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाकर वापस पेवेलियन की ओर रुक कर चुका है। अब दुम दुम दड़ैयारे सबसे बड़ा लड़ैया अशोक पलसाना नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर लिया है डगआउट की ओर से। अब 35 गेंदों के ऊपर 29 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। महाकाल आर्मी के कप्तान और आई खोडल 11 के कप्तान आएंगे टॉस के लिए। स्लॉगशिप किया है यहां शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी, विकेट कीपर और थ्रो किया गया, तब तक एक रन पूरा कर चुके थे। एक के साथ स्कोर मूव ऑन टू 34 रन, लॉस ऑफ द वन विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। छपरा एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर प्रतीक सातेम अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से पहला। अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर, गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर, बल्ले से छाप लेके निकली थी चौके की, जगदीश साहिर का चौका। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, 34-38। गेंदबाजी के ऊपर प्रतीक, छोटी गेंद और सही नसीहत, लॉन्ग लेग के ऊपर यूज एंड आई मैक्सिमम बाउंड लाइन की ओर शेयर करवाया गेंद को 6 रन के लिए जगदीश साहिर ने। अब 6 के साथ 44 रन। अब गेंदबाज तैयार, 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, यहां जब तक पीछे जाने के बाद फील्ड किया बाउंड लाइन के ऊपर, तब तक एक रन, बस सिंगल, एक चौका एक सिक्सर, उसके बाद एक सिंगल रन, एक सूझबूझ वाली पारी जगदीश साहिद द्वारा। महाकाल आर्मी 11, आप आइए यहां पे, आई खोडल आई खोडियार के कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए। अब यहां से चौका मिलेगा, अशोक आहिर ने अपने होने का वजूद पेश किया और चौका बटोरा। पलसाना के ऊपर एक अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जहां देखा जाए तो अशोक ने, मुझे मालूम है 31 गेंदों के ऊपर 115 रन जड़े थे, वो बल्लेबाज है स्ट्राइक के ऊपर, नो गेंद है। अब आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, यहां से सिंगल रन मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन। तीन ओवर के बाद 52 रन हुए हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब नए गेंदबाज का संकेत, अब 30 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए और स्ट्राइक के ऊपर अशोक। बहुत अच्छा शॉट इस बार पंच किया और गेंद को देखते रहे आखिरी वक्त पर। जिस प्रकार से देखा जाए तो गैलेक्सी का नॉट और रेनॉल्ड का पैंड हो, उसे लिखने में जितना मजा आता है उतना ही मजा हमारे कैमरामैन उमेश को आया इस बार कैप्चर करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन, ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय अशोक।
और यहां पे गेंद को स्लॉग शिप कर दिया है, जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एक बेहतरीन सिक्सर अशोक के बल्ले से और ये मुकाबला यहां से जीत लिया है साइनीर 11 ने। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अशोक।